हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आप लोग ज़रूर देखो। तो भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ भाई फ्री फायर के मैनेजमेंट के बारे में। तो भाई, ये फ्री फायर वाले हम सबको इंडिया वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, मेरे को लगता है। तो भाई, मैं आप लोगों को पूरे प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो भाई, थोड़े दिन पहले होली इवेंट आया था, और भाई वो ऑल इवेंट था कम से कम भी 5-6 दिन का। हाँ, 5-6 दिन का था अंदाजन। तो भाई, उस 5-6 दिन के अंदर भाई हमें क्या करना था कि पहले उसमें फ्री फायर वालों ने वो बॉल वाला सिस्टम किया था कि पहले मतलब हमें खेलना होता था, और फिर बहुत ज़्यादा गेम खेलने थे, और फिर वो बॉल कलेक्ट करने थे। बॉल कलेक्ट करने के बाद उनके टारगेट लगाना था। तो भाई, इतना हार्ड सिस्टम किया था ऑल इवेंट में। और भाई, इसमें देखो जो रमदान का ये जो इवेंट है, ये देखो 17 दिन पहले आ गया भाई। 17 दिन भाई, 17 दिन बहुत होते हैं भाई। हमारे तो 5-6 दिन थे होली के लिए, और इसके लिए 17 दिन पहले। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो फ्री फायर वालों ने क्या स्कीम लगाई है। ग्लू होल की स्कीम डाली है 4-4, और 9 डायमंड का है स्पिन। और ये देखो फिस्ट दी है इसमें, इस इवेंट में। हमारे वाले इवेंट, ये देखो इवेंट में क्या दिया है, 20 डायमंड का एक सिंगल स्पिन है, और 2 इमोट दिए हैं सस्ते से। और ये तो पहले भी आ चुका है भाई, ये दोबारा दे रिटर्न आया ये इवेंट, ये इमोट जो अभी चल रहा है ना भाई। ये दूसरे वाला तो फिर भी नया लग रहा है मेरे को, दूसरे वाला नया है। लेकिन भाई, पहले वाला भाई आप खुद देखो भाई, सब कुछ चेंज कर दिया भाई, सब कुछ। फिर बारे बारे पता नहीं क्या समझते हैं आप, क्या तीस मार का समझते हैं, क्या चक्कर है। और भाई देखो, खुद का इसमें रमदान इवेंट में भाई खुद का ये डाल दिया रॉयल हाइड एंड सीक वाला। भाई मिशन देख लो, मिशन देखो, एक गेम खेलना 4, 8, 12, 10 किल करने हैं, 20-30, एक टीममेट को रिवाइव। भाई क्या मिशन है भाई, भाई ऐसे मिशन तो हर कोई कर सकता है भाई। रिवार्ड देख लो, पेन वगैरह ये जो भी है, 10,000, 15,000 गोल्ड दे रहे, बंडल दे रहे हैं भाई। क्या पता नहीं क्या हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, क्या। मैं आप लोगों से भाई एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं ये इवेंट को खोलने वाला भी नहीं हूँ भाई, चाहे कितने भी रिवार्ड भारी, कितने भी गोल्ड हो भाई, चाहे मेरे को ज़्यादा खेलना पड़े। और भाई, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, गेम में देखो ये क्या नया फड़का एक और लाया है रमदान इवेंट में, आपको दिखाता हूँ भाई। होली के इवेंट में भाई आपको एक भी ऐसा कोई फड़का दिखे तो भाई बताना, सामने की तरफ भाई आप खुद देख लो, एक घोड़ा गाड़ी लेके आ गया है गेम में भाई। आज घोड़ा गाड़ी लाया है, कल गधा गाड़ी लेके आ जाएंगे, क्या मतलब है क्या भाई, मेरे को ये बताओ भाई, ये कोई जस्टिस थोड़ी है भाई। भाई होली को तो ऐसे सस्ते में निपटा दिया, और भाई रमदान को धूमधाम से मना रहे हैं, कोई ये कोई मतलब थोड़ी है भाई। हर जगह भाई, हर घोड़ा गाड़ी पे एक टोकन फ्री में मिल रहा है भाई। एक जगह हो तो मैं बात मान लूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह घोड़े फैला रखे हैं, कोई मतलब थोड़ी है भाई। तो भाई, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, मैं इस इवेंट को ओपन ही नहीं करूँगा। तो प्लीज़ यार, सपोर्ट के लिए भाई आप लोग भी ओपन मत करना प्लीज़ भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और भाई, मैं आपको जितनी भी बात बताई ना भाई, प्रूफ के साथ बताइए भाई, कहीं पर भी मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ भाई। और भाई, कहने का मेरा फ़र्ज था भाई आप लोगों को समझाने का, आप समझो या ना समझो वो आपकी मर्ज़ी है। और बाकी भाई, इसमें स्टोर के अंदर भाई ये जो मैजिक क्यूब वाले जो बंडल है ना भाई, जगह जगह चेंज कर दिए, सारे के सारे चेंज कर दिए, बढ़िया रिवार्ड दे दिए। आगे देखो भाई, पीछे की लॉबी देख लो भाई, लॉबी चेंज कर दी पूरी की पूरी भाई, कोई मतलब थोड़ी है। तो भाई, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में हैशटैग जस्टिस ज़रूर लिख देना एक बार भाई, मैं सपोर्ट मान के समझ लूँगा, चाहे इस पे व्यूज नहीं आए भाई, मेरा फर्ज था भाई वीडियो बनाने का। तो भाई, आप वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भाई आज का था वीडियो इतना ही, सपोर्ट करते हो तो भाई सेकेंड पार्ट भी सोचूँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय बाय।